दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। दोस्तों आज गांव गाथा की टीम सिद्धार्थनगर जनपद के भनवापुर ब्लॉक में हसुड़ी औसानपुर नामक ग्राम में आई हुई है और हम चाहते थे कि आप लोगों को रूबरू कराएं यहां की विकास गाथा को लेकर, यहां पे क्या क्या बदलाव आए हैं। और इस कड़ी में हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी यहां पे जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे इस गांव के विकास के बारे में कि इस गांव का विकास कैसे हुआ और इसके पीछे किसका हाथ था और क्या क्या दुश्वारियाँ आईं इस गाँव को विकसित करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ, हम स्वागत करते हैं अपने साथ। सर क्या नाम आपका? दूधनाथ त्रिपाठी। तो दूधनाथ जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे इस गांव में, पहले ये गांव ऐसा नहीं था, इस गांव में बदलाव की जो नींव रखी वो किसने रखी? प्रधान जी ने। प्रधान जी यानी दिलीप कुमार त्रिपाठी जी ने जी। अच्छा, तो उनके कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं आप? बहुत बहुत संतुष्ट। क्या क्या उन्होंने इस गांव में बदलाव किया? बहुत बदलाव किया, जैसे सड़क है, पंचायत भवन है, मंदिर है, स्कूल है। अगर हम बात करें स्कूल की, तो स्कूल में आपको क्या बदलाव देखने को मिला? स्कूल में बहुत बदलाव है, सब अंदर वाईफाई कैमरा लगा हुआ है। अच्छा। टीवी लगा है, बच्चों के लिए एसी लगा है। मतलब बच्चे पूरी तरीके से एक अच्छे माहौल में बैठ के पढ़ पा रहे हैं। अच्छे माहौल से। अच्छा, अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं हमारे ठीक पीछे पंचायत भवन दिख रहा है, इसका निर्माण कब हुआ? ये 4-5 साल पहले हुआ है। अच्छा, 4-5 साल हो गए इसके निर्माण में। तो उसी के सटे हुए एक हमको एक हॉस्पिटल का भी कैंपस दिख रहा है, उस हॉस्पिटल में क्या अभी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई हैं? नहीं, अभी तो सामान आया है। अच्छा, हाँ, आज से हो सकता है कि चालू हो जाए। अच्छा, मतलब आज से हॉस्पिटल। तो कितनी सुविधा हो जाएगी आपको अगर यहाँ पे अस्पताल खुल जाएगा? बहुत सुविधा हो जाएगी। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, इसका नाम है आपका? आयुष त्रिपाठी। अच्छा, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? यस। यहाँ पे अंदर एक ओपन जिम हमें देखा, आप लोग जाते हैं कभी जिम करने वहाँ पे या खेलने कूदने? यस। अच्छा, तो यहाँ पे खेल कूद के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। यस। आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे भी तमाम हमारा चैनल देखते हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं कहना चाहेंगे? अरे कुछ तो बता दो कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, देश की सेवा करो, इतना तो बता ही सकते हैं ना? पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, देश की सेवा करो। अच्छा, आप मान लीजिए आप पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनेंगे? यस। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये छोटा बालक है और ये डॉक्टर बनना चाह रहा है पढ़ लिख कर, और सोचिए कितनी अच्छी बात है कि डॉक्टरी पेशा भी एक सेवा का पेशा होता है और ये बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा और डॉक्टर बनेगा, यहाँ के लोगों की सेवा करेगा। आइए हम लोग और कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे ठीक पीछे एक बिल्डिंग है और इसी पंचायत भवन के सटे हुए ये बिल्डिंग है और ये हम आपको बता दें कि यह एक हॉस्पिटल है, एक मिनी हॉस्पिटल है जो यहाँ के गाँव वालों को सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ के प्रधान जी ने अपने निजी व्यय पे इसको बनवाया है। स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर दिलीप जी काफ़ी सशक्त रहते हैं, काफ़ी सजग रहते हैं और इसी कड़ी में उन्होंने यह हॉस्पिटल बनवाया है और जल्दी ही गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे चिकित्सकों की तैनाती कर दी जाएगी जिससे यहाँ के ग्रामीण वासियों को काफ़ी सुविधाएँ भी स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर प्राप्त होने लगेंगी। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक आरओ प्लांट भी रखा हुआ है। हम आपको बता दें कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं दिलीप जी, वो यहाँ के ग्रामवासियों को स्वच्छ पेयजल के लिए काफ़ी मुस्तैद दिखे और उन्होंने यहाँ पे जल्दी ही एक आरओ प्लांट का इंस्टॉलेशन करने का निर्णय लिया और इस कड़ी में आप देख पा रहे होंगे इस स्टोर में वो आरओ प्लांट के सारे इक्विपमेंट्स रखे गए हैं और जल्दी ही इसको इंस्टॉल करा के यहाँ पे ग्रामवासियों को ये मुहैया करा दिया जाएगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कंटेनर्स रखे हुए हैं, इन कंटेनर्स का इस्तेमाल होगा कि आप यहाँ से पानी भर के जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो इन कंटेनर्स में पानी भर के यहाँ से वो ले जा सकते हैं। तो ये काफ़ी ही अच्छा कार्य है प्रधान जी की तरफ से और आगे भी वीडियो में हम आपको कुछ रोचक चीज़ें आपको बताते रहें। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस पंचायत भवन में ही ओपन जिम का संचालन हो रहा है, यहाँ पे ओपन जिम खोला गया है।
यहाँ के प्रधान जो हैं दिलीप त्रिपाठी जी, वो यहाँ ग्रामीण के इस गांव के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति वो कितने सजग और जागरूक हैं, यहाँ पे ओपन जिम खोल के देखा, यहाँ पे कुछ बच्चे भी जिम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम बच्चों से बात करेंगे, जानेंगे कि वो कैसे आनंद ले पा रहे हैं और अपना स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंकित त्रिपाठी। यहाँ पे पहले जिम नहीं था जी, और इसके पहले आप लोग क्या करते थे जब यहाँ पे जिम की सुविधा नहीं थी? इसके पहले सर ये था कि सुबह उठते थे और उसके बाद में जाते थे दौड़ने उड़ने, रनिंग वगैरह करते थे जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे प्रधान जी ने जिम खोलवा दिया है तो कितनी सुविधा हो रही है आपको? बहुत 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 सुविधाएं मिल रही हैं सर। बस अभी यहाँ पे रोज आते हैं हम लोग और सुबह में करते हैं जिम और शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। अच्छा, शरीर स्वस्थ बन जाएगी, मजबूत बन जाएगी तो सेना में जाएंगे क्या? जी जी सर। अच्छा, सेना में भी देखिए प्रधान जी ने इतनी व्यवस्था कर दी है कि बच्चे यहाँ पे स्वस्थ रह सकें। और दूसरे बालक हमारे साथ हैं, क्या नाम आपका? चंद्र प्रकाश प्रजापति। आप यहाँ पे कितने दिन से आ रहे हैं? बहुत दिन से। अच्छा, जब से ये लगा हुआ है। अच्छा, जब से इसकी शुरुआत हुई तब से आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो डेली आते हैं आप? हाँ, मतलब आपको कहीं बाहर जिम में नहीं जाना पड़ता? नहीं। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गेना है। अच्छा, तो आप कितने दिनों से यहाँ पे हैं? बहुत सालों में हुए हैं। अच्छा, कई वर्षों से आप यहाँ पे हैं। हाँ। आप यहाँ पे क्या करती हैं? ओ, उसमें हमें लोग दारी बनता है। अच्छा। हाँ। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हाँ। आप यहाँ पे हैं, हाँ। जो सुख सुविधाएं आप यहाँ पे देख पा रही हैं, जो विकास देख पा रही हैं, हाँ। कितना अच्छा लगता है आपको यहाँ पे? अच्छा लगता है, हम लोग हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मतलब प्रधान जी ने बहुत कुछ आप लोगों के लिए किया है यहाँ पे। हाँ, उसमें इतना है, प्रधान जी ने घर नहीं बन के दिया। शौचालय वगैरह की व्यवस्था है प्रॉपर यहाँ पे? हाँ, सब है। चलिए, प्रधान जी ने दिया है हम लोग। ठीक, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ की, इस गांव की सड़कें, यहाँ की साफ सफाई, और ये बाड़ लगाई गई है। बाड़ के साथ साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लांटेशन किया गया है, जिसमें पाम प्लांट है, तमाम औषधि पौधे भी यहाँ पे रोपे गए हैं। इसके साथ साथ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पोस्ट लैंप्स भी, कितने खूबसूरत पोस्ट लैंप्स लगे हुए हैं। रात में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ का। और इसके साथ ही सटे हुए अभी थोड़ा सा प्राथमिक विद्यालय है, उस तरफ हम लोग ले चल रहे हैं आपको। आप देखेंगे वहाँ की सुविधाएं क्या क्या हैं और प्राथमिक स्कूल का स्तर कैसा है। और हम चाहेंगे कि अपने साथी जो कैमरा वो कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, उनको हम चाहेंगे कि वो दिखाएं
कि हमारा ये प्राथमिक विद्यालय है इस ग्रामीण क्षेत्र का, और बाहर आप देख पा रहे होंगे कि दीवारों में एसी माउंट है। पूरी तरीके से यह विद्यालय जो है वो वातानुकूलित है, यहाँ पे एसी लगाई गई है, सारे कमरों में एसी की सुविधा है, बच्चे बहुत ही साफ़ सुथरे और अच्छे माहौल में यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। सुदूर आप देख पा रहे होंगे ये सड़क जो है कितनी साफ़ सुथरी है, ये विद्यालय का जो परिसर। दोस्तों मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और आप देख रहे हैं गांव का था। दोस्तों इस समय हम आए हुए हैं बॉर्डर क्षेत्र के जनपद सिद्धार्थनगर में, जो प्रधानमंत्री महोदय के अति आकांक्षी जिलों में शामिल है, यानी अति पिछड़े जिलों में इसको गिना जाता है। और इस समय हम जिस गांव में मौजूद हैं उसका नाम है हंसुड़ी अवसानपुर। इस हंसुड़ी अवसानपुर गांव को माननीय प्रधानमंत्री ने 3-3 बार देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया है, और यह सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की एकमात्र ग्राम पंचायत है। लेकिन इस फासले को तय करने में इस गांव को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी है, और आज जो पहचान है इस गांव की आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर 6-6 IAS ट्रेनी इस गांव के विकास के प्रक्रिया को, विकास की गाथा को, विकास के जो आयाम तय किए गए हैं उसको समझने के लिए इस गांव में लगभग निवास कर रही है और वहां के चीज़ों को समझने का प्रयास कर रही है। हम बात करते हैं इस गांव के प्राइमरी स्कूल से। जब भी प्राइमरी स्कूल की बात आती है तो हमारे जहन में वही मटमैले बच्चे, पढ़ाई का स्तर, निम्न स्तर, ये सारी चीज़ें हमारे नज़र में आती हैं। लेकिन इस प्राइमरी स्कूल में जहाँ टाइल्स लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ किसी बड़े हाईटेक स्कूल की तरह पर यहाँ पर वातानुकूलित सुविधा की व्यवस्था की गई है। साथ ही बच्चों के लिए हाइजीनिक तरीके से हाथ को धुलने के लिए, शौचालय के शौच से निपटान के लिए शौचालय की व्यवस्था, इसके अलावा पूरी तरीके से पेंटिंग की गई है, बच्चों को लर्निंग बेस्ड पेंटिंग की गई है जिससे बच्चे सीख पाएँ और वो खेल खेल में सीखें। इसके अलावा अगर इस स्कूल की बात करें, इसका इसके ऊपर मैंने पहले भी स्टोरी की थी और तमाम मैगजीनों में मैंने इसको लिखा था मैगजीनों के लिए। इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा कई बार ट्वीट करके बताया गया है कि ये गांव देश के उन चुनिंदा गांव में शामिल है जो जिसने विकास के नए आयाम हासिल किए हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ पर जो पौधरोपण किया गया है और पर्यावरण को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर दूसरे ग्राम पंचायतों के लिए एक उनको प्रेरणा देने का काम करते हैं। बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान, हेल्थ को लेकर के यहाँ पर जिम की व्यवस्था की गई है, पंचायत लर्निंग सेंटर बनाया गया है जहाँ आसपास के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है। साथ ही जो पंचायत से जुड़े हुए मसले हैं, जो नई नीतियाँ आती हैं, उनको भी जानकारी देने का काम किया जाता है। इस पास में ही कृषि विज्ञान केंद्र है, सुहाना कृषि विज्ञान केंद्र है, जहाँ के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर यहाँ लोगों को ट्रेनिंग देने का काम किया जाता है और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जानकारी देने का काम किया जाता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे आज बहुत चहल पहल है, और ये चहल पहल यूं ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर आज इफ्को और तमाम ऐसी बड़ी कंपनियाँ आ करके जो टेक्नोलॉजी, कृषि में टेक्नोलॉजी अडाप्ट हो रही है, जैसे हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें तो खेती में जो रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव होता है उससे आए दिन, साल में अगर हम साल की बात करें तो हजारों किसान कैंसर के चपेट में आते हैं जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। तो इन समस्याओं से निदान दिलाने के लिए इफ्को जो है वो बड़ा काम कर रहा है। उसने अभी यूरिया के इस्तेमाल को कम करने के लिए, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट रही है यूरिया की वजह से, उसको कम करने के लिए एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड नैनो यूरिया डेवलप किया है और दुनिया का पहला देश बन गया है जहाँ नैनो यूरिया बनाया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल को भी कम करने के लिए, किसानों का इन्वॉल्वमेंट कम करने के लिए यहाँ पर ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जाएगा, जो कम समय में ज़्यादा एरिया को कवर करके छिड़काव का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर इस पूरे गांव को वाईफाई और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी लैस किया गया है। साथ ही यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वह गरीब लड़कियों की शादी में उनको आर्थिक सहयोग देने का काम भी करते हैं। गाँव में सभी को लगभग आवास मिला हुआ है, खुले में शौच से मुक्त है।
पूरी तरीके से जो हमारी संस्कृति है, गवई संस्कृति है, उसको दर्शाने के लिए सभी दीवारों पर पेंटिंग का काम किया गया है। इसको पिंक विलेज के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही महिला सुरक्षा और गांव की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी जगह जगह लगाए गए हैं। हम और सारी चीज़ें जानकारियाँ धीरे धीरे आपको देंगे और बताएँगे इस गांव में क्या है खास जो देश के अलग ग्राम दूसरी ग्राम पंचायतों से इस गांव को अलग बनाता है।